हेलो एवरीवन, दिस इज दीपाली गर्ग। वेलकम बैक टू माय चैनल डीजी पाठशाला। गाइस, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ अ सेल। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ कि सेल में कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, कौन से लिविंग पार्ट्स होते हैं और कौन से नॉन लिविंग पार्ट्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, अगर हम सेल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सेल के स्ट्रक्चर में 3 एसेंशियल पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए, 3 एसेंशियल पार्ट्स ऑफ अ सेल। फर्स्ट है सेल मेम्ब्रेन। गाइस, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। और जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये एनिमल सेल और प्लांट सेल में दोनों में ही प्रेजेंट होती है, बोथ इन एनिमल एंड प्लांट सेल। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होती है और प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होती है, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। क्योंकि कभी क्वेश्चन डिफरेंट नेम से आ जाता है तो फिर आप लोग सोचेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, ये तो हमने पढ़ा नहीं। तो याद रखिएगा कि सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, देन सेल वॉल। गाइस, सेल वॉल भी एक एसेंशियल पार्ट है सेल का, बट जो सेल वॉल होती है ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये सिर्फ कौन से सेल में प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में। देन जो नेक्स्ट एसेंशियल पार्ट है वो है न्यूक्लियस, एंड जो थर्ड पार्ट है वो है साइटोप्लाज्म। गाइस, जो न्यूक्लियस होता है वो सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन हमारी बॉडी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है, वैसे ही सेल में जो एक्टिविटीज होती है उनको कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। तो जो न्यूक्लियस हो गया वो एक टाइप का ब्रेन हो गया सेल का। ठीक है, क्योंकि सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है। देन जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है साइटोप्लाज्म। गाइस, जो साइटोप्लाज्म होता है वो फ्लूइड पार्ट होता है सेल का। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 2 डायग्राम बनाए हैं। गाइस, पहला ये जो सेल है ये है एनिमल सेल, दिस इज एनिमल सेल। एंड जो ये सेकेंड सेल है दिस इज प्लांट सेल। अब आप दोनों में डिफरेंस देखिए, थोड़ा सा डिफरेंस है। गाइस, एनिमल सेल में जो बाहर की साइड की जो मेम्ब्रेन है ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, एनिमल सेल में जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है वो कौन सी होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। बट गाइस, प्लांट सेल में ये जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है ये क्या है, सेल वॉल है। और फिर इसके अंदर प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है, एक डिफरेंस होता है एनिमल सेल और प्लांट सेल में। एनिमल सेल में जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है सेल मेम्ब्रेन, और जो प्लांट सेल होता है उसमें आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है सेल वॉल, और फिर उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। इस प्लांट में जो सेल वॉल होती है ये किसकी बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, प्लांट में जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की होती है। देन गाइस, इसके बाद ये हो गया न्यूक्लियस, सेम प्लांट सेल में भी ये हो गया न्यूक्लियस। और गाइस, ये जो फ्लूइड पार्ट है ये हो गया साइटोप्लाज्म, सेम प्लांट सेल में भी ये क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। तो देखिए, एनिमल सेल और प्लांट सेल में एक डिफरेंस क्या हो गया कि एनिमल सेल में आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन कौन सी होती है, सेल मेम्ब्रेन, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पर प्लांट सेल में आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन कौन सी होती है, सेल वॉल, और उसके अंदर प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो गाइस ये एसेंशियल पार्ट होते हैं सेल के, तो इन एसेंशियल पार्ट्स को याद रखिएगा। देन गाइस, सेल के अंदर कुछ और पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको कहा जाता है सेल ऑर्गेनल्स। तो गाइस देखिए, सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ अ सेल हैविंग अ डेफिनेट शेप, अ डेफिनेट स्ट्रक्चर एंड अ डेफिनेट फंक्शन। गाइस, जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ये सेल के ही पार्ट होते हैं, सेल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, जिनकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है और डेफिनेट फंक्शन होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सेल ऑर्गेनल्स की डिफाइन पूछी जाती है। सो सेल ऑर्गेनल्स आर द पार्ट ऑफ द सेल जिनका डेफिनेट शेप होती है,
स्ट्रक्चर डेफिनेट होता है एंड फंक्शन डेफिनेट होता है। और गाइस ये जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ये लिविंग पार्ट होते हैं सेल के। सारे जो भी सेल ऑर्गेनल्स मेनली जो प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर वो कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं। तो सेल ऑर्गेनल्स आर द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। तो इस चीज को याद रखिएगा और इसको नोट कर लीजिए। चलिए गाइस तो अब हम एक टेबल की हेल्प से समझते हैं सेल के कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन से नॉन लिविंग पार्ट होते हैं और कौन से लिविंग पार्ट होते हैं। ठीक है, तो गाइस देखिए इधर की साइड मैंने लिखे हैं सारे लिविंग पार्ट्स और इधर की साइड मैंने लिखे हैं नॉन लिविंग पार्ट्स। तो पहला जो लिविंग पार्ट है वो है सेल मेम्ब्रेन। गाइस सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये एनिमल सेल में भी होती है और प्लांट सेल में भी होती है। और ये कैसी मेम्ब्रेन होती है, लिविंग होती है। ठीक है, अगर हम नॉन लिविंग की बात करते हैं तो जो सेल वॉल होती है जो कि सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती है। तो जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, नॉन लिविंग होती है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा, सेल मेम्ब्रेन इज लिविंग बट सेल वॉल इज नॉन लिविंग। ठीक है, देन गाइस सेल के बाद अगर सेल के आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन हो गई, अब आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है जो कि फ्लूइड पार्ट होता है। गाइस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो मोस्टली जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं। बट कुछ स्ट्रक्चर ऐसे भी होते हैं जो कि नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, तो गाइस देखिए लिविंग में अगर हम बात करते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि सेल ऑर्गेनल होता है, लिविंग होता है। गाइस इसको शॉर्ट में ER भी लिखते हैं। तो अगर लिखा हुआ आए कहीं पर ER तो समझ जाइएगा ER मतलब क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, देन नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी सेल ऑर्गेनल होता है जो कि लिविंग होता है। गॉल्जी अपरेटस, दिस इज लिविंग सेल ऑर्गेनल। राइबोसोम, लाइसोसोम, गाइस ये सारे लिविंग सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। देन सेंट्रोसोम, गाइस जो सेंट्रोसोम होता है वो सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होता। एंड प्लास्टिड्स जो कि सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी अपरेटस, लाइसोसोम एंड राइबोसोम ये सब एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में होते हैं। पर जो सेंट्रोसोम होता है ये सिर्फ एनिमल सेल में होता है और जो प्लास्टिड्स होते हैं वो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो गाइस ये सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं, जो सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देन अगर हम नॉन लिविंग पार्ट्स की बात करते हैं तो ग्रैन्यूल्स, वैक्यूल्स एंड जो फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं ये सभी नॉन लिविंग होते हैं जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा साइटोप्लाज्म में ये सारे स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, लिविंग, और ये तीनों स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, नॉन लिविंग। ठीक है, अब आते हैं न्यूक्लियस पर। तो गाइस न्यूक्लियस में भी जो कुछ पार्ट होते हैं वो लिविंग होते हैं और कुछ नॉन लिविंग होते हैं। तो पहला है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। गाइस जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, लिविंग होती है। देन उसके अंदर न्यूक्लियोलाय प्रेजेंट होता है, तो जो न्यूक्लियोलाय होता है वो भी लिविंग होता है। और बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में जिसको कहा जाता है क्रोमेटिन फाइबर्स। गाइस ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं। बट अगर हम नॉन लिविंग की बात करते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ये जो फ्लूइड होता है ये कैसा होता है, नॉन लिविंग होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर तीन स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, लिविंग, और एक स्ट्रक्चर कैसा होता है, नॉन लिविंग। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलाय एंड क्रोमेटिन फाइबर्स ये कैसे हो गए, लिविंग हो गए। और जो न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है, नॉन लिविंग होता है। ठीक है, तो गाइस ये सारे स्ट्रक्चर्स हो गए, सारे पार्ट हो गए सेल के। याद रखिएगा कौन से लिविंग होते हैं, कौन से नॉन लिविंग होते हैं। मेनली जो पार्ट होते हैं वो लिविंग होते हैं और कुछ पार्ट्स नॉन लिविंग होते हैं। एक और चीज याद रखिएगा, जो सेंट्रोसोम होता है ये सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, जो प्लास्टिड्स होते हैं ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं।
सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल प्लांट सेल दोनों में ही होती है, पर जो सेल वॉल होती है वो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। तो गाइस ये कुछ स्ट्रक्चर है जो कि आपको याद रखने हैं, कौन से एनिमल सेल में होते हैं, कौन से प्लांट सेल में होते हैं, क्योंकि इन पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा और इस टेबल को नोट कर लीजिए। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो गाइस अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अपकमिंग वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ। और हाँ, मेरे साथ बायोकेमिस्ट्री पढ़ते रहो ना, एंड बी सेफ फ्रॉम कोरोना।